हाँ तो मेरे निर्गुड़ी भजनों की प्रेमियों, चलती हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। एक जंगल में हिरण रहता था, बड़ा ही मस्त मौला, इधर जाता है उधर जाता है, हरा चारा खाता है, मस्ती में झूमता है। कभी इधर सरयू पे, कभी उधर जंगल में बड़ी ही मस्ती कर रहा है। कुछ दिन के पश्चात उस जंगल में एक शेर आ जाता है। हिरन को नहीं मालूम कि मेरे जंगल में कोई आ गया है, मेरे स्थान पर कोई आ गया है। वो अपनी मस्ती में घूमता है। शेर अपनी शिकार की तलाश में है, मगर लेकिन वार नहीं कर पाता है। एक दिन वो हिरन घूमते घूमते, और एक संत भगवान तपस्या कर रहे थे, वहां आ जाता है। जैसे ही आया तो वो अपनी इधर जाता है उधर जाता है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो संत भगवान ने जैसे ही देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हिरन अपने मन में सोचने लगा कि मुझे देख करके ये रो क्यों रहे हैं। बोल नहीं सका क्योंकि बेजवान है। संत भगवान हिरन की तरफ देख रहे हैं और रो रहे हैं। मन की बात को समझा और हिरन से कहने लगे, ए भैया, तू क्यों मस्ती में घूम रहा है, कहीं चला जा। हिरन भी सुनने लगा तो संत भगवान ने कहा कि हे भैया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तेरे पीछे जो काल आ रहा है, तेरे सिर पे मौत आ रही है, उसे देख करके रो रहा हूं। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं, मुझे चिंता तो केवल तेरी है कि तुझे पता नहीं और तेरे सिर पे काल आ रहा है। तो हिरन ने समझा और वहां से चला गया। इधर में भगवान अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं संत जी। इसी तरह मेरे भैयाओं, केवल बचना है तो चले जाओ, जैसे हिरन चला गया। और वो भी कहां चले जाओ, केवल भगवान की भक्ति के लिए। जितनी भक्ति करोगे उतना ही बचने का उपाय है। ये तो निश्चित है कि मौत को तो आना है, मगर लेकिन कुछ ऐसा कार्य हो जाए, कुछ ऐसा धर्म हो जाए जिससे शायद मौत भी कुछ पल के लिए टल जाए। इस विषय भोगों में धन दौलत के चक्कर में फंसा है बंदे, तेरे सिर पे मौत खड़ी है। सुनिएगा इस भजन के माध्यम से।
सोता चादर ओढ़ के तिर सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तिर सिर पे मौत खड़ी है। 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 क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। यमदूत तो कौन लूटेंगे, सब घर वारे तेरे छूटेंगे। यम के दूत तो कौन लूटेंगे, सब घर वारे तेरे छूटेंगे। फिर जागो पल्ला छोड़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। जिस दिन से जा जग में आया, तूने धन तो खूब कमाया। जिस दिन से जा जग में आया, तूने धन तो खूब कमाया। सबसे जागो मुकड़ा मोड़ के रह जागी माया पड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। एक दिन आ जागो मरघट में, कछु रहे ना तेरी बट में। एक दिन आ जागो मरघट में, कछु रहे ना तेरी बट में। सब पाप तुझा गो गोड़ के तेरी बीते घड़ी घड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। क्यों सोता चादर ओढ़ के तेरे सिर पे मौत खड़ी है। हाँ तो मेरे सत्संग की प्रेमियों, चलते हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। जैसे कि संतों की वाणी, संतों का ज्ञान, जिसने भी संतों का ज्ञान पाया है
उनका जीवन धन्य हो गया है। ये हमारा तुम्हारा जीवन एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह है। जितने दिन का रिचार्ज है उतने दिन काम करता है, और जिस समय वो रिचार्ज खत्म हो जाता है फिर मोबाइल काम नहीं करता। इसी तरह ये जीवन है, जितने दिन का प्रभु ने हमें दिया है उतने ही दिन इस दुनिया में रहना है, वरना छोड़ करके जाना पड़ेगा भैया, क्योंकि जिस दिन उसका हुक्म हो जाएगा फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है, ना कोई बेटा ना कोई बेटी ना कोई यार ना कोई रिश्तेदार, कोई हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जितने दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं उतने दिन रह सकते हैं, वरना जाना पड़ेगा। कहते हैं जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। अभिमान करे ये तन पजरी खा कहे जाएगा, मत अभिमान करे ये तन पजरी खा कहे जाएगा। खाइले पीले मौज उड़ाइले कितने साबुन तेल लगाइले, खाइले पीले मौज उड़ाइले कितने साबुन तेल लगाइले, पुतला माटी को काउ दिन माटी में मिल जाएगा, मत अभिमान करे ये तन पजरी खा कहे जाएगा। जग में जीवन जैसे तेरा, बाग में पंछी करत बसेरा, जग में जीवन जैसे तेरा, बाग में पंछी करत बसेरा,
परम को भोग मिटे, परम को भोग मिटे, काउ दिन हंस विदा है जाएगो मति अभिमान करे, काउ दिन पजरी खा कहे जाएगो। सबसे मिल के रहो मेरे भाई, करो सत्संग जगत की भलाई, सबसे मिल के रहो मेरे भाई, करो सत्संग जगत की भलाई, भैया कई बेको काउ दिन अपयस जस रह जाएगो मते अभिमान करे, ये तनु पजरी खा कहे जाएगो मते अभिमान करे, ये तनु पजरी खा कहे जाएगो मते अभिमान करे, ये तनु पजरी खा कहे जाएगो। हाँ तो मेरी सत्संग की प्रेमियों, चलते हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। एक बार संत भगवान सत्संग कर रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर दास्तान, बड़ी सुंदर सुंदर बात सुना रहे थे। एक सभी के गुरुदेव थे, उन्होंने एक कलयुग की दास्तान सुनाई कि कर्म का लेख कभी मिटता नहीं, अगर हम किसी की चोरी करेंगे तो दूसरा भी हमारी चोरी करने के लिए बैठा है, अगर हम किसी की बहन बेटी को गलत नजर से देखेंगे तो हमारी को भी कोई देखने वाला बैठा है, अगर किसी का हम मर्डर करेंगे तो हमारा भी कोई करने बैठा है। इसी तरह ये जीवन है, प्रभु से हम कितना भी छुप जाएं पर छुप नहीं सकते, क्योंकि वादा करके आए हैं और जहां से आया है वहीं एक दिन जाना है। प्रभु कहते हैं हे बंदे, जो वादा करके गया है वो निभा नहीं रहा है, संदेश मैसेज भेजते हैं मगर लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देते, फिर भी अपनी अकड़ में हमेशा यही कहते हैं सब कुछ है वो मैं हूं और कोई नहीं है, मगर लेकिन मैं तो यही कहता हूं मेरे भक्तों, एक दिन तो जाना पड़ेगा। सुनिएगा इस भजन के माध्यम से।
सब घर वाले तेरे और छूटे सब संसार। अपनों से दूर होना पड़े और छूटे सब ही यार। तुझे जग से एक दिन जाना है, तुझे जग से एक दिन जाना है। पवन उड़ा हरी फिर न मिलेगो अपनों से, कहीं दूरी परे गो जा। जग से तुझे एक दिन जाना है, जग से तुझे एक दिन जाना है। और कुछ ले जा तू साथ, अरे काल बली झपटे को एक दिन, फिर निकले तेरी बरा। तुझे जग से एक दिन जाना है, तुझे जग से एक दिन जाना है, हाँ। तो मेरे निर्गुड़ी भजनों के प्रेमियों, चलते हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। एक सज्जन कहीं घूमने जा रहे थे, जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे, टिकट ले लिया, टिकट लेकर के बैठ गए, इंतजार करने लगे कि गाड़ी कब आएगी। धीमे 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 समय हुआ, गाड़ी निकल गई। अब वो सज्जन पूछने लगे, भैया जो टिकट है वो गाड़ी कब आएगी मेरी। सब भाई समझाने लगे कि भैया जी वो गाड़ी तो निकल गई। पछतावा होने लगा कि इस टिकट का मैं अब क्या करूं। जाकर के स्टेशन पहुंचे, दूसरी बार टिकट को लिया, जाकर के स्टेशन पहुंचे, इंतजार करने लगे। जैसे ही गाड़ी आई वो भी छूट गई। एक भैया से पूछा, भैया ये गाड़ी कब आएगी। तो भैया ने बताया, दादाजी ये तो निकल गई। तो पछतावा होने लगा। इसी तरह मेरे भाइयों, जब ये जीवन खत्म हो जाता है, फिर पछतावा होता है कि हमने हरि का भजन नहीं किया, प्रभु का गुणगान नहीं किया। जब ये जीवन खत्म हो जाता है, जब जीने का ढंग आता है, सुनिएगा इस भजन के माध्यम से।
गया जब जीने का ढंग आया, वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया, वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। दीपक बुझ गया तब, दीपक बुझ गया तब, मैं फिल में रंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। मशीनरी ने ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। तब बूढ़ेपन हर एक पुर्जे में जंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। कभी मिली ना सुमिरन राम नाम का, फुर्सत कभी मिली ना सुमिरन राम नाम का। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। वक्त
तू निकल गया जब जीने का ढंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। वक्त निकल गया जब जीने का ढंग आया। दीपक बुझ गया तब, दीपक बुझ गया तब, मैं फिल में रंग आया। वक्त निकल गया तब जीने का ढंग आया। वक्त निकल गया तब जीने का ढंग आया। हाँ तो मेरे सत्संग के प्रेमियों, मेरे भक्तों, चलती हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। एक कुटिया पर एक संत तपस्या कर रहे थे, अपनी भक्ति में लीन थे। एक शिकारी शिकार करता हुआ संत भगवान के पास से गुजरा। जैसे ही निकल करके जा रहा तो संत भगवान को देख करके हंसने लगा। काफी समय हंसता रहा। जैसे संत भगवान के नेत्र खुल गए तो एकदम से बोले, ही भैया आप हंस क्यों रहे हो? वानकी महाराज, मैं हंस यूं रहा हूं, आपकी अभी जवान अवस्था है, आप भक्ति की तरफ इतनी तेजी से मुड़ गए, इसलिए मैं हंस रहा हूं। तो संत भगवान कहने लगे, अरे भैया आप सुबह से निकलते हो, शाम को घर पहुंचते हो, और आपका शिकार करने का काम है, इसे छोड़ दीजिएगा। तो हंसकर के बोला, नहीं महाराज, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, इसे मेरा परिवार चलता है। कि नहीं, अच्छे कर्म कर, उससे भी तेरा परिवार चलेगा। कि नहीं महाराज, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो संत भगवान हंसकर के बोले कि बेटा, बमूल का पेड़ बो रहा है, फिर आगे चल के कहेगा किस पे आम नहीं लग रहे हैं, तो आम इस पर नहीं लग सकते। अगर तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे अच्छा फल मिलेगा। जो जीव है उनको मार देता है, खा जाता है, इनका भी तो बदला देना पड़ेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। जमे ईश्वर को ना दोष करे गो जैसो पावे गो, जमे ईश्वर को ना ये दोष, जमे ईश्वर को ना ये दोष करे गो जैसो पावे गो, जमे ईश्वर को ना ये दोष।
करके देख ले फिर का पीछे होई। नहीं माने तो करके देख ले फिर का पीछे होई। और बोयो बेड़ बबूल को हाँ बोयो बेड़ बबूल को तो आमो कहाँ से होई। करे गो जैसो पावे गो जामे ईश्वर को नाए दोस। करे गो जैसो पावे गो माटी कहे कुमार से और कातू गोंदे मोई। अरे माटी कहे कुमार से कह तू गोंदे मोर। और एक दिन ऐसो आवे गोरे एक दिन ऐसो आवे गोरे मैं गोदोंगी तो ई करे गो जैसो पावे गो जामे ईश्वर को नहीं दोस। करे गो जैसो पावे गो जो चाहो सद्भाव से रे निज आत्म कल्याण। अरे जो चाहो सद्भाव से रे निज आत्म कल्याण। तीन बात को ध्यान धरो रे तीन बात को ध्यान धरो रे खान पान गुड़ गान। करे गो जैसो पावे गो जामे ईश्वर को नाहे दोस। करे गो जैसो पावे गो जामे ईश्वर को नाहे दोस। करे गो जैसो पावे गो जामे ईश्वर को नाहे दोस।